ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपने क्वेश्चंस ही करेंगे आज, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चंस डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, क्वेश्चंस डाल सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। और इसके पहले किसी को क्वेश्चन है क्या? इसके पहले 67 के पहले कोई? 58। ओके, 58 भी देख लेते हैं, 58 क्या है। ठीक है, 58 जैसा क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें। इसमें क्या है ना, क्वेश्चन क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है इसमें। ये जो एक्सप्रेशन दिया है आपको, इतना बड़ा सा, अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला बता दूं, ठीक है। वो स्क्वायर रूट वाला मैंने कल 44 नंबर बताया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्क्वायर रूट वाला बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं 58 बता देता हूँ आपको। 58 में क्या है ना, 58 में बोला गया था, 58 में क्या बोला गया था कि ये जो है ना, 58 में एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अपना क्या लिखा हुआ है कि जो ये अपनी संख्या है x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस px² होगा ये, ठीक है। क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा शायद, इसीलिए आप लोग का आंसर ना निकल रहा हो। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 2x³ प्लस 5px³ लिख दिया, तो मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। ओके, हाँ मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके चलिए चलिए देखिए, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये अपना px² हो गया प्लस qx प्लस 9 हमें दिया हुआ है। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है? परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब अगर कभी भी आपसे पूछेगा ना, तो आप इसका हमेशा दिमाग में चलाइए कि अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा इस संख्या का, तो मुझे इसका अंदर में कुछ होल स्क्वायर टाइप बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर टाइप में, सीधी आसान आसान भाषा में समझिए, होल स्क्वायर टाइप में कुछ बनाना पड़ेगा, तो मेरा ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो जो अंदर में जो संख्या बचेगी वो मेरा आंसर हो जाएगी। तो इस टाइप से हमें सोचना है। अगर इस टाइप से सोचेंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, आपका दिमाग उसी तरह से चलेगा, ठीक है। हमारा उसी तरह से दिमाग चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। अब ये बोला गया है कि ये संख्या क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये बताइए, ये क्या हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनेगी कि नहीं बनेगी? बिकॉज एक्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। एक्स तो वेरिएबल है ना, एक्स तो वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन पी और क्यू क्या है? फिक्स है, क्योंकि देखिए इन दोनों की वैल्यू फिक्स है। क्योंकि देखिए तभी तो हमको यहाँ पे वैल्यू निकालने को बोला है पी और क्यू की। ओके, तो हमको वैल्यू इसी तो निकालने को बोला है। पी बाई क्यू नहीं निकालना है, पी और क्यू निकालना है इसमें, ठीक है। पी और पी बाई क्यू नहीं निकालना है, पी और क्यू निकालना है। तभी देखिए ऑप्शंस में हमको दिया हुआ है पी और क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम पी और क्यू की वैल्यू निकाल देंगे, तो पी बाई क्यू क्या कुछ भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके, तो अब आप ये बताइए, अगर ये संख्या मेरी पूरी परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या ये, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 डालूंगा या फिर x इज इक्वल टू 0 डालूंगा, ये एक्स इक्वल कुछ भी संख्या डालूंगा, तो क्या मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, बिल्कुल। तो आप देखिए एक्स इक्वल टू 0 डालेंगे, तो इसमें तो देखिए ये 0 डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा हमको, क्योंकि तो इसमें 0 अगर हम डाल देंगे तो ये तो क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो 0 बना देगा, ये बाकी सबको 0 बना देगा, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है, अपना 9 आ जाएगा। तो हमको तो 9 पता ही है परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसमें हमारी कुछ खास मदद नहीं हुई। अब हम एक काम करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 डाल के देख लेते हैं भाई क्या बन रहा है। एक्स इज इक्वल 1 डाल के देखेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2, मैं एक्स इज इक्वल 1 की वैल्यू डाल रहा हूँ ऊपर, प्लस पी प्लस क्यू प्लस 9, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पी प्लस क्यू प्लस ये कितना के 12 आ गया, 12 आ गया कि नहीं आ गया? सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको ना, अब बताइए इसको ये क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मतलब ये संख्या भी परफेक्ट स्क्वायर बननी पड़ेगी, बननी पड़ेगी, क्यों नहीं बनेगी, बननी पड़ेगी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 4 हो सकती है। अगर देखिए p प्लस क्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पे, तो 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, अपना 16 हो जाएगा। और क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक
ठीक है, लेकिन आप देखेंगे चार पी प्लस क्यू की वैल्यू चार कहीं किसी भी ऑप्शन से नहीं आ रही है। देखिए आप सारे ऑप्शन देखिए, आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो क्या बनेगा, पी 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 देखिए आपका छह है, क्यू सात है, पी सात है, क्यू छह है, तो सब इसमें देखिए सम की वैल्यू कितनी आ रही है, तेरह आ रही है, इसमें कितनी आ रही है तेरह, इसमें भी तेरह आ रही है, इसमें बारह आ रही है, इसमें पांच आ रही है, तो क्या कब किसी में भी इतना चार आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो मतलब चार हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो P और Q की वैल्यू चार, P प्लस Q की वैल्यू चार नहीं हो सकती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से सबको। अब देखिए फिर से अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं, तो क्या मैं, ठीक है फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो क्या मैं P प्लस Q को 13 लिख सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद चार के बाद तो पांच का स्क्वायर आएगा ना, तो क्या मैं P प्लस Q को 13 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, 13 अगर 13 लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, 13 प्लस 12 25, तो 25 का अंडर रूट क्या होता है, पांच होता है। ठीक है, तो P प्लस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13, ये हमारे पास आ गया, P प्लस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। अब मैं ऑप्शन में देखूंगा 13 कहीं से आ रहा है क्या, हाँ 13 तो दो ऑप्शन से आ रहा है, मतलब ये जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो सही है, तो उसका आंसर ए भी हो सकता है, उसका आंसर बी भी हो सकता है, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि P प्लस Q की वैल्यू क्या होनी है, 13 होनी है, तो ये दोनों पांच और ये 12 वाले तो कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब देखिए बहुत ही बढ़िया से, ठीक है, अब मैंने x इज इक्वल टू 1 पे डाला तो ये सब चीज निकल गई मेरी। ठीक है, अब क्या, अब एक बात बताइए, हम नंबर देखिए कोई भी ले सकते हैं, ऐसा मत सोचिए कि सर सोच के आए कि 1 1 -1 लेना, मैं इसलिए ले रहा हूँ ऐसा क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, अब 2 3 दुनिया में कोई भी नंबर लीजिएगा है ना, तो आपकी कैलकुलेशन सबसे आसान यही 1 0 इन सब नंबर, तो कैलकुलेशन आसान होती है ना, वो जल्दी होता है, इसीलिए मैंने ये सब लिया। तो x इज इक्वल टू -1 पे भी क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 अगर मैं डालूंगा तो क्या बन जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस 2 × -1 की पावर 3, ठीक है, प्लस p × -1² प्लस q × -1 + 9 बराबर है, तो ये अपना आ जाएगा, तो ये भी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा ये भी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब -1 का ये क्यूब है तो ये -1 हो जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आई बात समझ में, प्लस 9 आया, तो ये क्या हो गया, पी माइनस क्यू। ठीक है, ओके, और ये क्या बन गया, 8। ठीक है, तो इसमें से देखिए ये पी माइनस क्यू, अगर मैं पी माइनस क्यू को अगर बताइए 1 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अगर ये 9 बन गया तब मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर P माइनस क्यू मैं सोचूं कि अगर P माइनस क्यू की वैल्यू अगर 1 हो जाए, क्योंकि दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर है ये, है ना, उसका मतलब P माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और क्या हो सकती है बताइए, 7 7, ये 8 हो सकती है, क्योंकि अगर 8 भी डालेंगे हम यहाँ पे तो क्या बनेगा, 8 + 8, ठीक है, 16 बन जाएगा। तो सबसे हम सबसे शुरुआत देखिए 1 से करते हैं, 1 से 2 ये 1 से करते हैं, फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, इस टाइप से स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से तो 8 आ गया, अब मैं यहाँ पे 1 जोड़ूंगा तो 9 बन जाएगा, 8 जोड़ूंगा तो 16 बन जाएगा, इस टाइप से मुझे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या तो 8 होगी, इस टाइप से होगी। तो मैं पहले ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, अभी देखिए ऊपर से तो मेरा पी प्लस क्यू 13 निकल चुका है, ठीक है, और मेरा पी माइनस क्यू देखिए 1 यहाँ से निकल गया, आप ऑप्शन में देख लीजिए। ठीक है, तो इससे बताइए पी की वैल्यू क्या आ रही है, 2p = 14, इसको दोनों का ऐड करेंगे तो P की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। आई बात समझ में, सबको समझ में आ गया एग्जैक्टली क्या हुआ है। अब देखिए डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिफरेंस 1 आना चाहिए, पी और क्यू में डिफरेंस जो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना यार, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए इसमें पी माइनस क्यू तो -1 आ रहा है, लेकिन -1 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि पी माइनस क्यू क्या आना है, हमेशा 1 आना है, अपने निकाला दूसरी कंडीशन में, तो P माइनस क्यू 1 कहाँ आ रहा है, इधर ही से तो आ रहा है, सेकंड कंडीशन से तो आ रहा है केवल। आई बात समझ में आप लोगों को, सबको समझ में आ गया ना, ओके, सबको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, ओके, चलिए अभी कौन सा बताना है, अभी बताइए, एक मैं को 60 नंबर ही बताता हूँ, मैंने आपको बताया था ऐसे तो, एक जो टेस्ट का क्वेश्चन था मैंने बिल्कुल वैसा बताया था आपको,
ठीक है, लेकिन आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 48 भी निकल गया है, 48 बताना है। 48 तो कल मैंने बताया माधुरी, 48 तो मैंने कल समझाया आपको, 48 तो कल मैंने क्लास में कराया था, क्योंकि ये है अपना 3011 into 3012। इसमें आंसर, इसमें ये गलत है, मैंने बताया था कल, 40 क्वेश्चन नंबर 45 से लेके क्वेश्चन नंबर 49 तक आंसर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर 3011 आ रहा है, मैंने कल क्लास में कराया था क्वेश्चन, एक बार आपने नोट्स देखिएगा अपने, ठीक है, ओके। इसके 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 पहले बताइए कौन सा क्वेश्चन कराना। क्वेश्चन नंबर 60, हाँ ठीक है, 60 में बताने जा रहा हूँ, चलिए 60 में बता देता हूँ, मैंने कराया था वैसे बिल्कुल सेम, उसमें क्या बोलते हैं आपके टेस्ट में बिल्कुल सेम है, टेस्ट से देखे कराया था, आप देखिए बिल्कुल पहचानिए बिल्कुल इस चीज को, है ना। चलिए देखते हैं क्या है 60 नंबर। 4 - 4c + 2b + c² - bc + b² / 4, ये है, ठीक है। अब देखिए आप बिल्कुल गौर से देखिए, अब ये मेरा इस, ये मेरा स्क्वायर है, ये भी मेरा स्क्वायर है, और ये भी मेरा किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब समझ, अब देखिए कैसे, ठीक है, तो क्या मेरा ये a प्लस बी प्लस सी टाइप का फॉर्मूला है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए a प्लस बी, अब देखिए a प्लस बी के फॉर्मूले में क्या क्या आता है, a स्क्वायर आता है, b स्क्वायर आता है, c स्क्वायर आता है, और टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता है। तो मतलब दोनों का आपस में गुणा भाग, इसका इससे, इसका इसके, और इसका इससे, ठीक है, तीनों का गुणा भाग होके क्या आता है, इस तीनों को ऐड कर देंगे तो, टू टाइम्स कर देंगे तो ये आएगा, तो मतलब तीनों का गुणा भाग होता है। आप ये सब चीजें बहुत पहचानने वाली होती है कि अगर इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, हमेशा हम इस चीज से पहचानते हैं कि ये किस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना आपस में दो संख्या का, ऐसे ए का बी से, बी का सी से, सी का ए से, उससे हमें क्वेश्चन में दिखता है कि ये क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपने देखिए, अब देखिए, अब हमें पहचानना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, पहचानना आसान हो जाएगा कैसे, तो ये तो स्क्वायर बन रहा है भाई, सी स्क्वायर बन रहा है, बी स्क्वायर बाई फोर बन रहा है, और ये फोर बन रहा है, तो क्या ये मेरा सी बी बाई टू, और टू इस टाइप से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, साइन मैं बताऊंगा आपको, साइन तो मैंने बताया था आपको कैसे देखना है, ठीक है। तो क्या ये इसका होल स्क्वायर टाइप बनेगा, होल स्क्वायर, अभी साइन क्या बनेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि आप ये इसको इसको ऐसे देखिए, एक ए की तरह, इसको देखिए बी की तरह, इसको देखिए सी की तरह, बड़ा सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो इसमें क्या क्या होता है अपना, एक तो ए स्क्वायर आता है, एक तो बी स्क्वायर आता है, एक तो सी स्क्वायर आता है, और क्या आता है, 2ab 2bc और 2ca, तीनों को जोड़, ये सब जोड़ जोड़ के सब ये बनता है ना, बताइए। तो अब देखिए, अब ये abc आपने देखा इसको ऐसे, तो इसका स्क्वायर देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है स्क्वायर, b बाई टू का क्या दिख रहा है, स्क्वायर टाइप दिख रहा है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है भाई, क्यों नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, बस गिचपिच हो गया, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल साफ तरीके से देखिए क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये क्या होगा, सी बी बाई टू और टू, तो भाई ये तो है मेरे पास, और बाहर में होल स्क्वायर है, ठीक है। हमें क्योंकि देखो स्क्वायर रूट निकालना मतलब क्या है, स्क्वायर रूट देखो क्वेश्चन में दिया, स्क्वायर रूट निकालना मतलब हमें होल स्क्वायर टाइप को बनाना पड़ेगा, और मुझे साफ साफ दिख रहा है ये तो होल स्क्वायर है यार। अब साइन देखिए कैसे देखते हैं, अब देखिए साइन कैसे देखते हैं, इसमें साइन देखिए, ये प्लस में साइन दिया हुआ 2b का, ठीक है, और ये c का कैसे साइन दिया हुआ, -4c, ठीक है, -4c है, और ये क्या दिया हुआ, -b × c, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप याद रखिए हमेशा, ये क्या होता है, 2 × ab + bc + ca, ये अपने फॉर्मूले में ऐसे आता है ना, मतलब दो गुना मल्टीप्लाई होता है ab से, bc से, ca से, मतलब आप ये दोनों आपस में दो टू टाइम्स मल्टीप्लाई होंगी, है ना, ये चीज मैंने लिख दी है, मतलब ये इसका जो आंसर आएगा मेरा कैसे बनेगा, जैसे मैं पहले c को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2c हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज सारी संख्या क्या 2 से मल्टीप्लाई होती कि नहीं होती है, तो ये 4c आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, b बाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं c को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है, है
है ना, आपने देखा ना फॉर्मूले में क्या आता है, तीनों का प्रोडक्ट आता है एक दूसरे से, और सी को फिर मैं टू से करूंगा तो क्या आ जाएगा, टू सी आ जाएगा। आई बात समझ में, टू सी आ जाएगा इंटू टू, इंटू टू भी करेंगे ना, ठीक है, और यहाँ पे भी इंटू टू करेंगे, क्योंकि ये टू टाइम्स आता है कि नहीं आता है, बाहर में टू आता है कि नहीं आता है, टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, एकदम ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो आप फंस जाएंगे। मतलब इसका इसका मान इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे, तो ये मेरा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर निकालूंगा तो ये बनना चाहिए, तो ये मेरा फोर सी आना चाहिए, ठीक है। साइन वाइन अभी मैं बताऊंगा, साइन वाइन कैसे बनना है मैं बताऊंगा, उसकी चिंता मत करिए, आपको तो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बता दूंगा, ठीक है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपना कैसे बनेगा, सी को टू से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थ्री टाइम्स आता है ना, टू टाइम्स आता है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करके, इतना सबको समझ में आ गया कि फिर मैं आगे बताता हूँ साइन कैसे लेना है। इतना समझ में आया सबको, इसका आया, इतना समझ में आया सबको बिल्कुल प्रॉपरली, सबका आंसर चाहिए, इतना समझ में आ गया ना सबको, फिर साइन बताता हूँ साइन कैसे बनेगा, तो वो तो दो मिनट का खेल है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। सबको समझ में आ गया, चलिए अब देखिए साइन कैसे बनाएंगे। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये टू और बी ना प्लस में है, टू और बी कैसे प्लस में है, तो मतलब ये जो है और ये जो है, इसको मैं गुणा भाग करता हूँ फॉर्मूले में, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, प्लस में आ रहा है, मतलब इन दोनों का साइन क्या सेम होना चाहिए, मतलब अगर एक प्लस है तो क्या दूसरा प्लस में होना चाहिए, अगर एक माइनस है क्या दूसरा माइनस में होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, प्लस ही तो आ रहा है, देखो प्लस टू भी आ रहा है ना, मैंने अपने आप से तो लिखा नहीं, यहाँ पे आंसर में प्लस टू आ रहा है, प्लस टू भी हमको मिलना चाहिए, तो प्लस टू भी मिलने के लिए क्या होगा, या तो ये दोनों संख्या आगे में प्लस होंगी, या तो दोनों आगे में क्या होंगी, माइनस होंगी, लेकिन मैंने मान लिया कि ये यहाँ पे प्लस है, तो क्या इसको भी प्लस होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, तो क्या इसको भी प्लस होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का गुणा भाग करके क्या आना है, टू भी आना है, ठीक है, ठीक है, तो टू इंटू बी बाई टू इंटू टू ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये टू भी आ भी रहा है अपना, देखो प्लस में टू भी आ रहा है, अगर ये देखो प्लस में टू भी है तो ये क्या होगा, प्लस में यही, ये इसको प्लस में ही होना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया इतना हमको। अब ये बताइए, अब ये इसको देखिए, अब इसको टू फोर सी को देखिए, अब ये तो माइनस में आ गया और ये प्लस में है, तो ये क्या है, यहाँ पे माइनस में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए। और मैं आपको उसमें पेपर टेस्ट पेपर में बताया था कि अपने को कभी भी साइन बनाना है तो हम हमेशा क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हमेशा सबसे पहले पॉजिटिव वाला देखते हैं, किससे पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव वाला पहले मैंने देख लिया, टू बी वाला, तो ये पॉजिटिव पहले यहाँ बन रहा था, अब तो इसको डिसाइड करना बड़ा आसान हो गया तीसरी क्वांटिटी को। अब तीसरी में देखिए क्या हो रहा है, फोर सी माइनस फोर सी आ रहा है, माइनस फोर सी कैसे आएगा, जब माइनस साइन कैसे बनता है बताइए आप, माइनस साइन तब बनता है जब मैं माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तभी माइनस साइन बनेगा, अदरवाइज तो माइनस साइन बनेगा नहीं ना कभी, ठीक है, अगर प्लस को माइनस से करूंगा तभी तो मल्टीप्लाई कर, तभी तो माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं माइनस माइनस को गुणा भाग कर दूंगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस को प्लस को करूंगा तो प्लस आएगा ही आएगा, तो इसमें माइनस आ रहा है फोर सी से, मतलब सी का साइन और टू का साइन क्या होना चाहिए, दोनों का अपोजिट होना चाहिए, ऐसे ऐसे समझिए, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट कैसे होगा, अगर मैंने टू के आगे प्लस साइन लगाया तो सी के आगे माइनस ही होगा, तो इसका मतलब ये हमारा सी के आगे क्या आ गया, माइनस आ गया, सी के आगे क्या आ गया, माइनस आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो ये मैंने प्लस मान, इसको मैंने प्लस मान लिया था, तो ये यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, माइनस, ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू माइनस सी प्लस बी बाई टू, ठीक है। अब इसका अंडर रूट करोगे तो ये टू टू कट जाएगा, ये टू टू, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो अंडर रूट करेंगे तो टू टू कट जाएगा, अंडर रूट और टू कट जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, टू माइनस सी प्लस बी बाई टू। इसमें मैंने देखिए ऐसे लिया है ना, टू और बी बाई टू ऐसे प्लस में इसलिए लिया क्योंकि आंसर में देखिए सब में आगे में प्लस टू दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप सोचेंगे इसको मैं ऐसे भी, ये भी स्क्वायर रूट हो सकता है, माइनस टू प्लस सी माइनस बी बाई टू, क्या ये हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है, आप देखो इसको करोगे ना, इससे भी सेम आंसर आएगा आपका, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम ये वाला लेंगे, ठीक है, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, इससे भी देखिए सेम आंसर आएगा, प्लस टू भी बनाना तो क्या मैं माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस ही तो बनेगा, तो मेरा ये आंसर भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने जो आंसर बताया वही आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, नीचे वाला भी आंसर होगा बिल्कुल, और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, इसमें टेस्ट वाले जो टेस्ट पेपर का डिस्कशन किया था उसमें ये चीज बन रही थी वैसे, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था ये चीज, ठीक है, चलिए
तो ये उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वेट कर रहा हूं मैं, कौन सा क्वेश्चन है पूछने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 भी कल बताया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, वो तो मैंने ऐसे बता दिया था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी इसके पहले कोई, इसके पहले अभी, अब इसके पहले बताइए, तो मैं इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा फिर। इसके पहले बताइए, इसके पहले कोई क्वेश्चन, अदरवाइज इसके पहले, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपकी गलती है, आप नहीं पूछ रहे हैं तो। इसके पहले कोई भी क्वेश्चन है नहीं है ना? चलो 59 देख लेते हैं। 59 में क्या दिया हुआ है अपने को, क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जो संख्या दी है बड़ी सी, हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और मैंने आपको स्क्वायर रूट की फर्स्ट क्लास में बोला था कि आपने स्क्वायर रूट कभी भी निकालेंगे तो अपने ज्यादातर क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से ही हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड से हो जाएंगे। अभी भी वैल्यू पुटिंग मेथड से बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, आप देखिए कैसे निकलेगा। चलिए देखिए, तो ये 59 में हमें 16x^6 -24x^5 +25x^4 -20x^3 +10x^2 -4x+1। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है, अब देखो ऑप्शन पुटिंग में भी कैसे होगा कि आप जो चारों ऑप्शन है उसमें कोई भी वैल्यू एक्स की मानो। ठीक है, चारों ऑप्शन में सबसे आसान वैल्यू क्या होती है बताओ। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या करने का तरीका है स्क्वायर रूट वाला, कि ए बी सी डी जो ऑप्शन है उसमें एक वैल्यू एक्स की मानो कोई भी, और सब में एक ही वैल्यू डालनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में भी जब चेक करते हैं तो सब में एक ही वैल्यू डालनी पड़ेगी। मान लो मैं सब में डालूंगा वैल्यू x = 0। ठीक है, क्या डालूंगा, x = 0 डालूंगा। x = 0 डालूंगा देखो, ए ऑप्शन में क्या बनेगा, 1 बनेगा। बी ऑप्शन में क्या बनेगा, -1 बनेगा। सी ऑप्शन में क्या बनेगा, -1 बनेगा। डी ऑप्शन में क्या बनेगा, -1 बनेगा। एक बात बताओ, कभी भी हम इस एक बात बताइए मुझे, कभी भी हम स्क्वायर करते हैं, कभी भी हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है इसमें। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा और ये यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, x = 0 डालूंगा तो इसमें क्या बन रहा है, 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इसमें अगर x = 0 डालेंगे, जो हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसको मैं इसकी वैल्यू में 1 डालूंगा तो कैसे बनेगा बताइए, ये 1 बनेगा। तो क्या मैं केवल और केवल यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट को, अगर मैं स्क्वायर रूट का जो आंसर आ रहा है ABCD सबको मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या 1 आना चाहिए। मैंने बताया है क्लास में बिल्कुल क्लियरली, 57 आप नोट्स देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया है यार क्लास में, 57 बता चुका हूँ मैं क्लास में। आप क्लास देखिए एक बार, आप लोग क्लास देखिए स्क्वायर रूट वाली, मैंने क्लियरली बताया 57 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे से बताया, मुझे याद है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, आप देखिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तभी आपका यहाँ पे 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। और आप याद करिए, जब मैंने आपको फॉर्मूला ब्रेक करवाया था, आप याद करिए एक बार, एक चीज याद करिए अच्छे से, मैं आपको अभी सिखाता हूँ उस चीज को, कि अपने जब फॉर्मूले को ब्रेक किए थे ax² + bx + c वाले फॉर्मूले को, तो अपना लास्ट में क्या बन रहा बच रहा था, कॉपी खोलिएगा तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, बच रहा था कि नहीं बच रहा था, इस प्लस c², बिल्कुल कॉपी आपने खोल के देखिए, आपने स्क्वायर रूट कहीं पे भी मेरे से पढ़ा है, अब खोल के देखिए वहां पे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप हमेशा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चीज देखने का अच्छा, बहुत अच्छा तरीका है,
कि अगर लास्ट वाले में यहाँ पे प्लस वन बन रहा है तो ये स्क्वायर रूट वाले भी यहाँ पे प्लस प्लस बनेगा प्लस, ठीक है। लास्ट वाले में क्या बन रहा है, प्लस वन अगर बन रहा है या प्लस नाइन कुछ बन रहा है तो जो भी लास्ट वाले में बनेगा वो प्लस थ्री, अगर यहाँ पे प्लस नाइन बन गया तो लास्ट वाले में प्लस थ्री बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखिएगा, ओके। तो बताइए इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है और मैंने क्या बोला अभी प्लस बनना चाहिए, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको, ऑप्शन पुटिंग मेथड से करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, अगर ऑप्शन पुटिंग मेथड से करेंगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वन डाल के भी देख सकते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू वन डाल के भी देख सकते हैं, x इज इक्वल टू वन डाल के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ट्राई कर लीजिए, x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू टू डाल के देख सकते हैं हम लोग, ओके। अभी बताइए कौन सा, हाँ ठीक है ना, आने हाँ इसका सही आंसर ए फर्स्ट पार्टी आएगा 57 का, 57 का ए पार्ट आंसर आएगा ना, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। 62, ठीक है। और ठीक है, तो इसके बाद मैं देख रहा हूँ 62 क्वेश्चन नंबर आया है, और 65 मैंने बताया, 65 थोड़ा सा गलत है, उसमें 5 की पावर 4 जो ऊपर में न्यूमरेटर में दिया हुआ है वो 5 की पावर 4 है, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, कल इंद्रपाल सर ने भी पूछा था, ये थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, इसको इसके साथ ट्राई करिएगा, ये गलत हो गया इस बुकलेट में, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत गलत है। तो हम 62 ट्राई करते हैं, 62 कैसे होगा, एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू है ए बी टाइम्स रूट टू, हमको किसका वैल्यू निकालनी है, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट टू, ये निकालना है कि नहीं निकालना है, और सबको वैल्यू हमको क्या निकालना है, एक्स और बी के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए मुझे ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो इस इक्वेशन है इसको क्या करूंगा, होल स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा, होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या करूंगा, होल स्क्वायर, तभी तो बनेगा ना, होल स्क्वायर करूंगा, तो होल स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी, यहाँ पे ए और बी क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की तरह है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा, आगे बात समझ में, सबको समझ में आया, तो ये क्या होगा, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस टू टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब ये बताइए, ये ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर, अब ये बताइए इसको आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, टू टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या मैं टू टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर के जगह पे वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना भाई। तो यहाँ से बताइए ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी ये वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी मेरे ख्याल से, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यार ये हमें निकालना है, तो इसको मैं न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यही मैंने निकाला है अभी। और यहाँ पे बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है। अब इसको मैं ऊपर वाले को फैक्टराइज कर दूंगा, तो फैक्टराइज करके क्या बनेगा, ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है कि नहीं होता, डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, तो क्या ये यहाँ से एक्स वाई एक्स वाई कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, एक्स माइनस वाई कट जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। सबको समझ में आ गया, उम्मीद है मुझे सबको समझ में आ गया होगा ये बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया क्लियरली बिल्कुल। अभी बताइए कौन सा, अभी 65 तो ठीक है, वो ट्राई करिएगा आप लोग, वैसे
इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन आया था, उसके पहले किसी को कुछ पूछना है? 67 के पहले किसी को कुछ पूछना है क्या? मतलब मैं 67 बताने जा रहा हूं आप लोगों को, बताइएगा प्लीज। चलिए 67 बताते हैं फिर। 67 पूछा था, 67 में क्या है? एक्स माइनस वाई कितना है? लिख कौन रहा है? मेरी स्क्रीन पे कौन लिख रहा है भाई? एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है? रूट थ्री। और हमको क्या दिया हुआ? एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स वाई, और सिक्स इसकी इसकी वैल्यू क्या है? सिक्स अपॉन एक्स वाई, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हमको क्या निकालना है? एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर। ओके ठीक है, तो निकालते हैं इसको, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम करेंगे। ठीक है, अब हमको देखिए इस टाइप से बनाना पड़ेगा, तो मुझे क्या यहीं से हमको ये दोनों इन्फॉर्मेशन यूज करके ही मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको देखिए हमेशा कैसे अप्रोच करते हैं इसको। अब ये बताइए क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है? तो उसमें माइनस में टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? अब बताइए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना इस चीज को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ? ये सब बनाना आना चाहिए आप लोगों को, अभी आप अलजेब्रा में थोड़ा सा ये सब बनाना आना चाहिए फटाफट, ऐसे बन रहा है ये। ठीक है, तो हमने होल स्क्वायर ले लिया, जो भी टू टाइम्स में आ रहा था वो मैंने माइनस कर दिया, तो ये टू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सब समझ में आ रहा है उम्मीद है मुझे सबको। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू सबको पता है या कहाँ से निकालेंगे? ऊपर से निकाल लेंगे। तो क्या मैं ऊपर वाली संख्या को अगर स्क्वायर कर दूंगा स्क्वायर, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स वाई बराबर तीन, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बराबर तीन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने होल स्क्वायर किया है। तो क्या है, यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? क्या आ गई? थ्री प्लस टू एक्स वाई आ गई वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? थ्री प्लस टू एक्स वाई, और बाहर में देखो क्या है, पूरा होल स्क्वायर लटका हुआ है, और ये क्या है? टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चीज है हमारे पास आ गई। अब मैं क्या करूंगा, होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं होल स्क्वायर, अभी तो सॉल्व करते रहना पड़ेगा, मैं कोई ट्रिक तो लग नहीं रही है इसमें कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? नाइन, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी, टू टाइम्स थ्री इंटू टू एक्स वाई मतलब ट्वेल्व एक्स वाई, इतना सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखिए नाइन प्लस कितना हो गया, अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, और यहाँ प्लस फोर है यहाँ माइनस टू है, तो ये क्या ये? तो क्या ये अपना प्लस टाइम्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों को देखिए, इससे क्या कॉमन आ रहा है बताइए? क्या यहाँ से टू एक्स वाई कॉमन आ रहा है? देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन एक्स वाई तो कॉमन आ ही रहा है। सबसे पहले कॉमन देखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिए वेरिएबल जो रहे वेरिएबल उसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या एक्स वाई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स वाई, और ट्वेल्व और टू में क्या कॉमन आएगा? टू ही कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? सिक्स। ठीक है, प्लस एक्स वाई, क्या ये बचेगा कि नहीं बचेगा? अंदर में सिक्स प्लस एक्स वाई बचेगा, क्या सिक्स प्लस एक्स वाई बचेगा? सब लोग सहमत हैं इस बात से? ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अब बताइए सिक्स प्लस एक्स वाई की वैल्यू ऊपर में क्या दी हुई है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिक्स प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या दी है?
सिक्स अपॉन एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा सिक्स अपॉन एक्स वाई, तो यहाँ से एक्स वाई एक्स्ट्रा कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नाइन प्लस ट्वेल्व, और टू इंटू सिक्स कितना होता है ट्वेल्व होता है, तो नाइन प्लस ट्वेल्व इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा ट्वेंटी वन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया है, आ गया होगा ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन, ठीक है इसका आंसर ट्वेंटी वन हो जाएगा। ओके ठीक है इसका आंसर ट्वेंटी वन हो जाएगा। इसके आगे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, 68 तो बता दिया है अभी, नहीं 67 बताया क्या, 68 ठीक है, और 71 ओके, और 84 ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले मुझसे पूछा गया है 68, चलिए चलिए देखिए बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है 68 में। देखिए कल मैंने फॉर्मूला जो बताया था आपको वैसे ही सोचना है यार इसको ना, ठीक है देखिए x की पावर 4 प्लस 3 टाइम्स सॉरी 3 टाइम्स नहीं है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 कितना आ रहा है 931 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और x स्क्वायर माइनस x 19 दिया हुआ, ठीक है हमें क्या वैल्यू निकालनी है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है निकल जाएगा, ठीक है इसको पहले सोचते हैं क्या निकालना है क्या हमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी ये आपको पावर 4 इस टाइप से देता है ना, और ये आपको इस टाइप से दे देता है, तो मैंने कल आपको बताया था एक चीज बताई थी मैंने, फॉर्मूला बताया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वन का इस टाइप से बताया था ना, ब्रेक करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन इस टाइप से फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, आपको याद होगा अगर तो कल का, तो ये भी देखो इस टाइप से ही है अपना, ठीक है आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ उसको करने का। देखिए आप यहाँ पे मुझे ये कुछ ये है कि नहीं है, ठीक है ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो सॉल्व करोगे तो प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन मेरे को तो एक ही यहाँ पे वन है, मुझे वन ही चाहिए, तो क्या यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो क्या ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? इसकी वैल्यू 931 दी हुई है हमको, ये समझ में आ गया सबको कैसे हुआ? सबको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से, ये कैसे हुआ ये बताओ? ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बिल्कुल प्यार से, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से इसको लिख सकता हूँ ऐसे होल स्क्वायर टाइप में, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों का वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है भाई, ठीक है क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 4 बनेगा, इसको होल स्क्वायर बनाओगे प्लस वाई की पावर 4 बनेगा प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। अब बताओ यहाँ पे तो मेरे पास 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है ना क्वेश्चन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? तो ये मैंने घटा दिया इसको, ठीक है। अब आप लोग देखो इस चीज को, एक बहुत ही बढ़िया सा आपका फॉर्मूला बन गया होगा यहाँ से, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, इस टाइप से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, होता है ना? तो क्या है यहाँ से मेरा निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 931 आ गया, अरे आ गया ना, ठीक है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में? 19 दी है क्या? 19 दी है, तो क्या यहाँ से मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 931 बाई, कितनी आ जाएगी बताइए, 931 बाई 931 बाई 19 आ जाएगी ना, आ जाएगी शायद ना, ठीक है ओके। चलिए तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, लेकिन मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अभी, क्योंकि तो मेरे को तो अलग चीज निकालनी है, 2x² प्लस 3y² निकालना है, ठीक है देख लेंगे एक बार इसकी वैल्यू आ जाएगी तो देखते हैं क्या आएगी इसकी वैल्यू, बताइए इसकी वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके, 931 में 19 की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके बताइए जरा फटाफट, ये 4 टाइम्स जाएगा ठीक है, कितना बचेगा 78 नहीं 76 होगा, सॉरी 76 हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या बचेगा 1, 171 ये कितने टाइम्स हो गया बताइए, फिर कट के कितना आ रहा है, पेन चलाइए मेरे साथ साथ पढ़िए आप लोग है ना, ऐसा नहीं कि बस केवल जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखते जा रहे हैं, थोड़ा सॉल्व करिए इसको आगे, अगर मैं पूछता हूँ तो फटाफट आपका आंसर फटाफट आना चाहिए ताकि मैं तुरंत लिख सकूँ, मेरे को टाइम लगता है ठीक है, बताइए आप करके 171 किस में जाएगा टेबल में, अरे 9 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा यार, ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 49 ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्या दिया हुआ है हमको 19 है, ऊपर देखो दिया ही हुआ है ठीक है, तो क्या यहाँ से मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, अब दो इक्वेशन है दो अननोन है ठीक है, दो इक्वेशन है दो अननोन है, तो क्या यहाँ से अपने उसका उसका मान निकाल सकते हैं बताइए, अब देखो इसको एक बार प्लस इसको एक बार क्या कर दो माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या बनेगा 2 टाइम्स एक्स वाई क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एक्स वाई क्या बन जाएगा, माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 30, मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई बताइए, एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई ठीक है, सबको समझ में आ गया इतना, देखो ऐसा सोचा करो क्वेश्चन को, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई ठीक है, अब मैं यहाँ पे 15 पुट कर दूंगा यहाँ पे पहली इक्वेशन में, अब हमको सॉल्व करने बैठेंगे ना क्वाड्रेटिक बनाएंगे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसमें क्या वैल्यू सोच लिया करो पहले ठीक है, 15 कैसे बनेगा ठीक है, चलिए अब इसको मैं 15 यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है, किसकी अब इसको मैंने 15 पुट कर दिया तो इधर ये क्या बन जाएगा कितना बन जाएगा 30, 49 माइनस 15 कितना होता है 34 होता है ठीक है, हो गया ना ठीक है 34 हो गया ठीक है ना, तो यहां से बताइए मैं एक्स वाई क्या, अब ठीक है आप तो अब क्वाड्रेटिक करके आप कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व ऐसा नहीं है ठीक है, लेकिन आप इसको सोचिए कि यहां से 15 कैसे बनेगा, तो क्या एक्स इज इक्वल टू 3 या वाई इज इक्वल टू 5 या फिर एक्स इज इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3 इस टाइप से अगर मैं देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है 15 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और क्या मैं इसको स्क्वायर करूंगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो कितना बनेगा 34 हो रहा है ना, तो इसका मतलब मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो रहा है ना, देखो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 34 तो बन रहा है 34 बन रहा है ना, और गुणा भाग करेंगे तो 15 बन रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर मैं तो ऐसे करूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें क्या है लेकिन आप क्यों इतना समय बर्बाद करना है, आपको सीधे सीधे दिख रहा है ना ये चीज, देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाओगे बैठ के पूरी वो सब लंबा चौड़ा काम करोगे, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, अब वाई की जगह पे लिखोगे 15 बाई एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको बराबर 34, अब क्वाड्रेटिक बनाओगे लंबी चौड़ी फायदा क्या है, मैं तो आराम से छोटे 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 नंबर है मैं आराम से देख सकता हूँ इसको आराम से, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे दिख ही रही है मुझे, अगर 15 बनना है तो कैसे बनेगा, क्या एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे यही लिख सकते हैं ना हम, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 5 ऐसे लिख सकते हैं ना ठीक है, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू क्या एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी आनी 15 आनी है, तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, या तो एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, अब आप दूसरी क्वेश्चन में देखो ये दूसरी क्वेश्चन है हमारी, दूसरी क्वेश्चन में डाल के देखो किससे बन रही है, तो क्या एक्स इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 5 से बन रही कि नहीं बन रही वो वैल्यू, अगर एक्स इज इक्वल टू 5 डालोगे यहाँ पे और वाई इज इक्वल टू 3 डालोगे तब भी बन जाएगी है ना, तो बताइए दोनों आंसर हो सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 5 वाई इज इक्वल टू 5,
और x is equal to 5 और y equal to 3. अब आप क्वेश्चन में देख लो हमें क्या निकालना है, 2x square plus 3y square निकालना है, ठीक है ठीक है. अब बताइए यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 into 9. पहले इस ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखूंगा कि x is equal to 3, y equal to 5 मैंने माना तो क्या आ रहा है, तो 2 into 9 y square कितना होता है, ये y square कितना हो जाएगा 25, 25 into 3 75, तो 75 प्लस 18 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93, कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, 93 हो जाएगा अपने पास. और अगर x is equal to 5 है तो क्या बन जाएगा, अब बताइए x is equal to 5 और y equal to 3 होगा तो क्या बन जाएगा आंसर, 2 into 5 square plus 3 into 3 square, ठीक है, तो 5 square कितना होता है 25, 25, 25 दुनी 50, 50 plus 3 cube 77, तो ये 77 भी आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन, मेरा आंसर क्या क्या आ रहा है, 93 और 77. अब ऑप्शन में देख लीजिए किस किस में ये दोनों ऑप्शन, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में कि आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे, आपको एक ही मिलेगा देखिएगा हमेशा इसमें, ठीक है. तो जो भी 93 और 77 अगर ऑप्शन दिख रहा है आपको तो वो आपका आंसर हो जाएगा. तो सबको उम्मीद है मेरे को समझ में आ गया होगा, सबको उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे सबको समझ में आ गया होगा. देखिए आपको आंसर दिख रहा होगा, तो क्या आपको यहाँ पे आंसर 77 दिख रहा है, 77 आंसर दिख रहा है आपको ना. चलिए अब बताइए कौन सा क्वेश्चन, गुड. चलिए कौन सा क्वेश्चन बताना है अभी, इसके बाद आपने बताया था कौन सा क्वेश्चन था वो, 70 कौन था, सेवेंटी वन था क्या, जल्दी रिप्लाई करिए फटाफट. सेवेंटी वन में क्या दिक्कत हो रही है, 71 तो देखिए आप लोग इसी में फंस जा रहे हैं, आपको तुरंत इसमें आंसर निकालना चाहिए, इसका आंसर 23 आ रहा है. देखो मैं देख के आपको आंसर बता सकता हूँ, ये मैंने बिल्कुल ही क्वेश्चन कराया था एकदम इस टाइप से क्लास में. चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए इस क्वेश्चन को, 71 में क्या दिया हुआ है, 71 में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5ab और ये ए स्क्वायर प्लस बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है. अब सबसे आसान तरीका करने का क्या है, देखो ये रेसिप्रोकल में दिया है कि नहीं, रेसिप्रोकल में ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो कभी भी हमको याद होना चाहिए हम लोग रेसिप्रोकल में क्या करते थे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये ऐसे ऐसे है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मत देखो ना ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एक्स को देखो ए बाय बी की तरह, क्या मैं इसको एक्स को ए बाय बी की तरह देख सकता हूँ, अगर ये अगर इसको मैं इसकी तरह देखूंगा तो क्या मेरा ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा. अब देखिए इन सब चीज में तो आप मास्टर है निकालने में, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर है तो मुझे क्या निकालना है, एक्स प्लस वन बाय एक्स का एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर निकालूंगा, माइनस कर लूंगा खटाक से टू को, मेरा आंसर निकल जाएगा, क्या टेंशन है. अगर बताइए आप इन सब चीज में एक्सपर्ट है करने में, अगर इसमें मैं एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर करूंगा माइनस टू कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा, मुझे यही तो निकालना है, ठीक है. यहाँ पे ए क्या है, ए तो ए बाई बी है प्लस बी बाई ए, इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं माइनस टू कर दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना यार,
और बताओ a बाई बी प्लस बी बाई ए, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, एक काम करो फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या मैं दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दूंगा, क्या मैं दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर सकता हूँ, ए बी से देखिए यहाँ तो 5 बन जाएगा, ए बी को मैं उधर ले गया, ठीक है। अब इसको बताइए, इसको सॉल्व करिए तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 5, तो क्या ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए बी क्या बन जाएगा, ए अपॉन बी, बी स्क्वायर बाई ए बी क्या बन जाएगा, बी बाई ए बराबर 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, ए बाई बी प्लस बी बाई ए की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो 5 स्क्वायर कितना हो गया, 5 स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 2 अपना आंसर क्या आ गया, 23, जो मैं आपको बता रहा था 23 आंसर वही आ रहा है। सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया बिल्कुल, है ना। अब इसको कोई बच्चा सॉल्व करने बैठेगा यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देगा, फिर ऊपर ए की पावर 4 बी की पावर 4, ये सब नहीं करना है यार, बहुत टाइम लगेगा ना। कर सकते हैं आप उसको दोनों, ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं कर सकते, उसमें भी तुरंत आंसर निकल जाएगा, लेकिन सोचा ऐसे करिए, ऐसा नहीं इसको नहीं कर सकते, बहुत आसानी से उससे भी होगा कई बार, है ना, ठीक है। आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अब आपको ऊपर क्या बनाना है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बनाना है। देखिए अगर आप इसको एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो मुझे पेन चलाना पड़ जाएगा अगर मैंने ऐसे करूंगा जैसे मैंने बताया आपको, इसमें अगर आप माइंड में करेंगे आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा बिल्कुल भी, है ना। अगर आप इसको करोगे तो फिर आप देखो इसको होल स्क्वायर करोगे, फिर इसमें ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे उधर में ले जाऊंगा तो यहाँ पे ए की पावर 4 बी की पावर 4 क्या हो जाएगा, 23 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 23 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 23 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, दोनों कट जाएंगे, उसका आंसर 23 आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है आंसर, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि इसको ऐसे सोचोगे तो आपको फटाक से आंसर निकल जाएगा। रेसिप्रोकल कहीं भी देखा करो कि रेसिप्रोकल टाइप में स्क्वायर क्यूब कुछ भी पूछ रहे तो आपके आंखें चमक जानी चाहिए बिल्कुल कि यार हाँ इसको तो मैं बहुत आसानी से बहुत बढ़िया से मेरे को चीजें पता है इसमें, मैं आराम से कर सकता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जल्दी लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर कल करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट प्लीज जल्दी बताइए, और कल मैं चाहता हूं ये पूरा असाइनमेंट खत्म कर दूं। जल्दी जल्दी बताइए, 75 बहुत ज्यादा आसान है, चलिए और 75 पूछा है, और बताइए इसके पहले नहीं है ना कुछ भी, तो 75 बताएं। चलिए देखिए 75 में हमें बताना है, देखिए आप लोग x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स नहीं है, माइनस 2 टाइम्स है, x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ये मेरा फॉर्मूला है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर है कि नहीं है, बता दो मेरे को इसका फॉर्मूला है कि नहीं है, सीधे दिख ही रहा है अपने को, ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अभी अंदर वाला भी फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसका होल टाइम्स होल स्क्वायर है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ, इसकी वैल्यू निकाल लूँ, दोनों का होल स्क्वायर कर दूँ, मेरा आंसर निकल जाएगा। अब बताओ 75 में x क्या है, रूट ए प्लस 1 बाय रूट ए, ठीक है, y क्या है, रूट ए माइनस 1 बाय रूट ए, ठीक है। अब बताइए यहाँ से, अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, अब मुझे क्या करना है, एक बार तो प्लस करूंगा तो यहाँ से x प्लस वाई निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, इस इक्वेशन में प्लस करूंगा तो x प्लस वाई निकल जाएगा, प्लस करूंगा तो x प्लस वाई निकल जाएगा, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 रूट ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ आ जाएगा 2 रूट ए, और अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस करूंगा तो बताइए क्या आएगा, 2 बाय रूट ए आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। तो एक तरफ से आ रहा है 2 बाय 2 रूट ए, और एक तरफ से आ रहा है 2 बाय रूट ए, आई बात समझ में, ठीक है। फिर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 2 रूट ए है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 2 बाय रूट ए है, सॉरी 2 बाय रूट ए, और x इंटू x x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स रूट ए है, और बाहर में क्या होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रूट रूट कट जा रहा है,
तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर मतलब 16। आया समझ में, क्लियर हो गया सबको? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद बताइए, इसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस टाइप से दिख रहे हैं मुझे कि मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं, तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा और हम कोशिश करेंगे कल हम पूरा 120 क्वेश्चन है शायद इसमें, तो हम पूरे क्वेश्चन कल खत्म कर दें, ठीक है? हमारा ये थोड़ा सा देख लेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन, चलिए अच्छा है, मैं आज देख रहा हूँ कि कुछ कुछ लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने थोड़ा सॉल्व किया, आपने फटाफट क्वेश्चन भी पूछे, ठीक है, अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए। और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि जो मैंने क्लास में कराए हैं, प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप अलजेब्रा का नोट फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी घुमा के देख लीजिए यार एक बार, जो क्लास में रेगुलर है उनको उनको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अगर वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो भी दोबारा देखे, तब आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है? किसी की मैथ्स को लगता है कमजोर है थोड़ी सी, उसको थोड़ा सा और जरूरत है तो आप वीडियो भी देखिए, क्योंकि एक घंटे में समझ में नहीं आता मान लीजिए कुछ चीज़ें, तो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा, आप कल में हम लोग खत्म कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, कल अगर होगा तो थोड़ी क्लास खींच लेंगे, आधी घंटा पौन घंटा जो भी खींचना है खींच खाच देंगे, ठीक है? ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी आप किसी ने क्वेश्चन नंबर 84 से पूछा था, देखिए आप बिल्कुल आप साइन बनाना लोग सीख गए हैं, साइन बनाना, साइन कैसे बनाएंगे देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, तो 84 नंबर भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से सोचिए, आप लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे खटाखट, ठीक है? तो आप बहुत बढ़िया से क्वेश्चन करिए, ठीक है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, आप मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ इसमें बहुत सारे, ठीक है ना? तो फिर कल हम मिलते हैं, ठीक है? कल हम इसको खत्म कर देंगे असाइनमेंट नंबर 1 को। असाइनमेंट नंबर 2 मोस्ट प्रोबेबली उसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है असाइनमेंट नंबर 1 के, तो वो हम नहीं करेंगे, असाइनमेंट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 3, 4, 5, 6, 7 तो 4-5 असाइनमेंट और बचे हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन आसान आसान है, इसमें क्या मिक्स क्वेश्चन थे, बाकी सब में क्या फिक्स स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है, ऐसे x+1 का x भी है, होल स्क्वायर टाइप में आएंगे, उस टाइप से आएंगे क्वेश्चन, किसी में क्वाड्रेटिक के पूरे आएंगे, और क्वाड्रेटिक वाली अपनी एक जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाले कराए थे उस वाले असाइनमेंट के, तो हम कोई भी असाइनमेंट पकड़ लेंगे उसके बाद, असाइनमेंट नंबर 1 खत्म होने के बाद हम कोई भी असाइनमेंट पकड़ लेंगे, या हो सकता है क्वाड्रेटिक वाला असाइनमेंट जिसमें क्वेश्चन थोड़े कम बचे वही वाला पकड़ लें, ठीक है? तो हम उसको वैसे कर लेंगे एक बार,